अब खबर जनपद पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने चारधाम यात्रा की सफलता और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। आयोजित बैठक में उन्होंने यात्रा के सभी पहलुओं को ध्यान से विचार किया और यात्रा के दौरान सुरक्षा की पूरी गारंटी देने के लिए विशेष निर्देश जारी किए। इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को यात्रा के प्रारंभिक चरण से ही सहयोग और समर्थन के लिए आग्रह किया। ऑनरेबल सीएम सर की चेयरमैनशिप में जो आप चारधाम यात्रा की बैठक हुई, हमारा पूरा फोकस इसमें है कि किस तरीके से स्टेट की जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से दिखे भी और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किसी किस्म का कोई असुविधा ना हो और उन्हें जो भी बेटर फैसिलिटीज दे सकते हैं। स्पेशली हमारे दो मेन एरिया हैं या तीन माने जा सकते हैं, जिसमें कोटद्वार और लक्ष्मण झूला और नीलकंठ के आसपास का एरिया और श्रीनगर है, तो तीनों ही ट्रांजिट पॉइंट के तौर पे यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रैफिक कंडीशन वाला पार्ट या टॉयलेट्स का पार्ट है, पार्किंग एरियाज है, होटल्स हैं, ओवर रेटिंग का आस्पेक्ट है, खाने की क्वालिटी और उसकी रेट्स और उन सारे आस्पेक्ट्स को हम लोग मॉनिटर करेंगे। साथ ही जो व्हीकल्स के एक्सीडेंट ना हो तो रोड सेफ्टी वाला पार्ट भी हमें देखना है। तो इस तरीके सारे डिपार्टमेंट्स को पहले भी डायरेक्शन जा चुके हैं और फर्दर हम लोग क्लोजली मॉनिटर करते हुए एक एक आस्पेक्ट को रिव्यू करेंगे। इसके लिए जो छाती घाने वाला रोड है, उस इशू को पहले भी फ्लैग किया जा चुका है और सचिव PWD महोदय द्वारा इसे पॉसिबिलिटी देखा गया है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन पर भी काम किया जाएगा और अभी की जो स्थितियाँ उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स किए जाने उसके लिए ऐसी इस लेवल पर काम